हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, पोजीशन ऑफ अ माइनर एडमिटेड एज अ पार्टनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि माइनर को क्यों पार्टनरशिप फर्म में लिया जाता है और उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, बट इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। इसमें कह रहे हैं कि माइनर को वैसे राइट नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकता, बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोई माइनर एडमिट कर सकता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एज फॉलो। अब इनके क्या क्या इनको राइट्स मिलेंगे और क्या क्या इनकी लाइबिलिटीज होंगी माइनर की। फर्स्ट पॉइंट है, द माइनर हैज राइट टू शेयर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। माइनर के पास क्या राइट है? प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर का राइट है माइनर के पास। ठीक है, सेकेंड राइट है माइनर का, माइनर हैज एक्सेस टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ फर्म्स। जो भी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी उसकी डिटेल्स है, जो डेटा है, माइनर के पास राइट है कि वो उसको एक्सेस कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है, उसके पास फुली राइट है माइनर के पास। थर्ड पॉइंट है हमारा, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स। माइनर क्या है? पर्सनली लायबल नहीं है। पर्सनली लायबल का मतलब क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं कि उनको अगर कंपनी से पैसा फुलफिल नहीं हो पाया किसी डेट्स रिपेमेंट के लिए, तो उनको अपना पर्सनल भी पैसा देना पड़ेगा। बट माइनर के केस में क्या, वो पर्सनली लायबल नहीं है, बट हिज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स ऑफ द फर्म आर लायबल फॉर द सेम। इसका मतलब ये हुआ, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, शेयर, जो प्रॉफिट शेयर होगा उस फर्म में, और जो भी उसका एसेट में शेयर होगा, उससे किसी डेट की रिपेमेंट कर सकते हैं, मींस किसी लोन की रिपेमेंट कर सकते हैं, किसी क्रेडिटर को रिपे कर सकते हैं, बट वो पर्सनली लायबल नहीं होगा माइनर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेच्योरिटी। किसी भी टाइम में, कब तक? विद इन 6 मंथ्स के अंदर, देन माइनर हैव टू इन्फॉर्म। माइनर को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा वेदर ही वॉन्ट्स और नॉट वॉन्ट टू बिकम पार्टनर इन द फर्म। उसको बताना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, जैसे वो मेच्योरिटी में आएगा, माइनर मेजर बनेगा, तो उसको क्या बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब माइनर हैव टू गिव पब्लिक नोटिस, एंड इफ ही गिव्स नो नोटिस, माइनर को क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो बनना चाहता है पार्टनर कि नहीं बनना चाहता। बट इफ ही गिव्स नो नोटिस, अगर वो नोटिस नहीं देता, देन ही बिकम अ पार्टनर ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो ये माना जाएगा, ये डीम्ड है, डीम्ड मतलब होता है मानना कि वो पार्टनर बन गया है विद इन 6 मंथ, मतलब वो पार्टनर बनना चाहता है इसलिए उसने नोटिस नहीं दिया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ माइनर बिकम पार्टनर इन द फर्म, अगर माइनर पार्टनर बनना चाहता है फर्म में, देन ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। तो वो क्या होगा? पर्सनली लायबल होगा सारे जो भी उसके डेट्स होंगे फर्म के, उसके लिए, सिंस द डेट ऑफ हिज एडमिशन इन द फर्म। कब से लायबल होगा? जब से वो फर्म में आया है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। ठीक है, अगर वो डिसाइड करता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है। सिक्स पॉइंट है हमारा, इफ माइनर डिसाइड टू नॉट बिकम पार्टनर, देन अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज कॉन्टिन्यूज टू बी दोज ऑफ माइनर। उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होंगी? जो एक माइनर की होती हैं, अप टू द डेट ऑन विच ही डिसाइडेड एंड गिव पब्लिक नोटिस ऑफ नॉट बिकमिंग पार्टनर। जब तक कि वो नोटिस नहीं दे देता, उसने अगर डिसाइड कर लिया कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, बट जब तक वो नोटिस नहीं दे देता, तब तक उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? जो एक माइनर की होती हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे? राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ माइनर थे। अब हम पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ पार्टनर। देखो, पार्टनर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम इस पॉइंट में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। फर्स्ट है हमारा एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल, जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है, जो एक्चुअल में पार्टनर्स होते हैं, तो ये एक सिंपल है टर्म, द पर्सन हु बिकम पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड टेक पार्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एक्चुअल पार्टनर। इसका मतलब है, जो पार्टनर कैसे बना है? एक एग्रीमेंट से बना है, और सारे जो बिजनेस में क्या कर रहा है, डिसीजंस में पार्ट ले रहा है, इज कॉल्ड एन एक्चुअल पार्टनर। उसको हम बोलेंगे एक्चुअल पार्टनर।
ऑल एक्ट्स डन बाय हिम बाइंड हिम एंड अदर पार्टनर टू थर्ड पार्टी. जो भी एक्चुअल पार्टनर काम करेगा उसका सारा काम उसको बाइंड करेगा और सारी अदर पार्टनर को बाइंड करेगा टू थर्ड पार्टी. ठीक है, तो एक्चुअल पार्टनर क्या है? जो एक्चुअली में पार्टनर है. हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें. सेकेंड है हमारा डॉर्मेंट और आप कह सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर. देखो नाम से ही पता चल रहा है स्लीपिंग पार्टनर. तो स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इन रियलिटी अ पार्टनर बट हुज नेम नॉट अपियर इन एनी वे एज पार्टनर. इसका मतलब क्या है कि जो रियलिटी में एक पार्टनर होगा बट उसका नेम कहीं आएगा नहीं, नॉर ही टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ना तो वो किसी मैनेजमेंट में किसी बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना वो किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा और कोई भी बाहर वाला उसको नहीं जानता होगा. उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर. सच पार्टनर लायबल टू थर्ड पार्टी हु गेव क्रेडिट टू द फर्म. अब स्लीपिंग पार्टनर होता क्यों है? स्लीपिंग पार्टनर जस्ट इसलिए होता है कि जब भी थर्ड पार्टी के लिए पर वो लायबल होगा कि अगर थर्ड पार्टी किसी फर्म को क्रेडिट देती है तो स्लीपिंग पार्टनर उस चीज के लिए लायबल होगा बट वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. थर्ड है हमारा इनकमिंग पार्टनर. इनकमिंग पार्टनर क्या होता है? पर्सन हु बिकम पार्टनर इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म. देखो एक तो ये है कि फर्म स्टार्ट हुई तब सारे पार्टनर्स बने, उन्होंने काम शुरू करा, बट कोई फर्म रनिंग है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फिर कोई पार्टनर एंटर करता है, आप बोल सकते हैं एडमिट करता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, उसको कहते हैं हम इनकमिंग पार्टनर. इनकमिंग पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट विच इज डन बिफोर हिज एडमिशन इन द फर्म. इसमें यह बोला गया कि उसकी एडमिशन से पहले, उसके आने से पहले जो भी फर्म की लाइबिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी डेट्स हैं, वो उसके लिए लाइबल नहीं है. ठीक है, ये है इनकमिंग पार्टनर. फोर्थ है हमारा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. इसका मतलब क्या है? ए पार्टनर हु इज नॉट एक्चुअली पार्टनर ऑफ फर्म बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म. अब कोई पर्सन ऐसे क्यों करेगा जो एक्चुअली पार्टनर नहीं है बट वो क्या कर रहा है कि अपने आप को बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनर वो इस फर्म का है. ऐसा देखो बहुत सारे केसेस में होता है. काफी बार क्या होता है कि किसी पर्सन की अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी गुडविल होती है मार्केट में, तो पार्टनरशिप फर्म उनकी गुडविल को यूज करते हुए अपना डेट रीपेमेंट के लिए या क्रेडिट रीपेमेंट के लिए अपना एक वो बना लेते हैं. जैसे लेट सपोज आप बोल सकते हो कि उनको क्रेडिट मिल जाता है उस पार्टनर की रेपुटेशन के बेस पे. तो इसमें क्या है, वो पार्टनर नहीं होगा बट वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि वो पार्टनर है फर्म का. उस मे बी वो इसमें आप बोल सकते हो ये डिपेंड्स ऑन कंडीशन करता है, मे बी उसके लिए वो कुछ चार्ज कर रहा हो. ठीक है, इफ एनी पर्सन गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन ही इज डीम्ड टू बी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब क्या है, कोई उसको क्रेडिट किसके फर्म को क्रेडिट किसके ऊपर दे रहा है, उस पर्सन के बेसिस पे दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डीम्ड टू बी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. हम एग्जाम्पल से अभी क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल एबीसी कैरी बिजनेस, एबीसी एक बिजनेस को चला रही, सी डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग एंड डज नॉट रिसीव एनी प्रॉफिट. इसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और कुछ इसने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया बट हिज नेम इज यूज एज अ पार्टनर बाय अ फर्म. बट वो फर्म क्या कह रही है, सबके सामने आउटसाइडर्स के सामने उसका नेम यूज कर रही है कि ये फर्म का पार्टनर है. सो ही विल बी लायबल टू एवरी आउटसाइडर हु गिव्स क्रेडिट टू फर्म ऑन हिज बिहाफ. बट वो क्या होगा फिर, अगर वो कह रहा है मैं पार्टनर हूं या फर्म उसको कह रही है, तो वो किसके लिए लायबल होगा? एवरी आउटसाइडर्स के लिए हु गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन हिज बिहाफ. वो सारे आउटसाइडर्स के लिए लायबल होगा जिनके बेसिस पे बाहर वाले पर्सन ने उस फर्म को क्रेडिट दे रखा है. तो इसको हम बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ है हमारा रिटायर और आउटगोइंग पार्टनर. रिटायर से ही लग रहा है ना, अ पार्टनर हु गो आउट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर. जो पार्टनर रिटायर हो चुका है या जो जाना चाहता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, उसको बोलते हैं रिटायर पार्टनर. अ रिटायर पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल डेट्स इनकर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट. उसके रिटायरमेंट से पहले जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी डेट्स हैं, वो उसके लिए क्या है, लायबल है रिटायर्ड पार्टनर. सिक्स है हमारा नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल किसको बोलेंगे, इफ ने पर्सन नेम यूज बाय फर्म ऑल दो ही इज नॉट अ रियल मेंबर नॉट शेयर एनी प्रॉफिट ऑफ द फर्म. इसमें क्या है, फर्म खाली उसका नेम यूज कर रही है. देखो तो काफी केसेस में क्या होता है, फर्म सिर्फ नेम यूज करती है, वो एक्चुअली में पार्टनर्स नहीं होते, जस्ट कि वो अपनी वो क्रेडिबिलिटी मार्केट में सेट कर पाए, अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ा पाए या कोई फर्म उनको क्रेडिट दे पाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.